के फ्रेंड्स, चटनी, मक्खन, चाय और प्याज के मूली के पराठे हो गए रेडी। आप नए नए जुड़ रहे हैं, उन्हें वो ये क्वेश्चन भी बहुत करते हैं कि आप कहाँ से हो। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बीमारियों से दूर होंगे, जो कि रहना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए व्लॉग की। आज कुछ स्पेशल है, स्पेशल यानी कि आज है भारत और जिम्बाब्वे का मैच, सेमीफाइनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप चला हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट के फ़ैन होते हैं, कबड्डी के भी फ़ैन होते हैं, क्रिकेट के भी, सब अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी क्रिकेट की फ़ैन हूँ। मैं बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक़ रहता है, मैं बहुत ज़्यादा मैच देखती थी क्रिकेट के। जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में हॉस्टल में रहे हैं, तो हॉस्टल में भी स्पेशल एक टीवी होता था, तो सभी लड़कियां हॉस्टल की मैच आने से पहले इकट्ठे हो जाते थे रूम में, जो टीवी रूम होता था, और इतना इन्जॉय करते थे ना कि आज भी अगर मैं वे दिन याद करती हूँ तो मन खुश हो जाता है। कोई मेरी फ्रेंड अगर कोई भी इस ब्लॉग के देखेगी तो उन्हें भी अपने दिन याद आ जाएंगे जो मेरे साथ हॉस्टल में रहते थे। हाँ, मैं आज नाश्ते में बनाऊंगी पराठे, मूली प्याज के पराठे या गोभी प्याज के पराठे, जो भी मम्मी पापा बोलेंगे मैं वही बनाऊंगी, और वो रेसिपी भी आपको दिखाऊंगी। आप भी घर पे बनाना और इन्जॉय करना ज़रूर, क्योंकि अच्छा खाना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, सभी खाने में लापरवाही बरतते हैं, बस काम के पीछे लगे रहते हैं, तो प्लीज़ अपना ध्यान जरूर रखें, अपने खाने का ध्यान जरूर रखें, वो बहुत ज़रूरी है, वरना तो पूरी ज़िंदगी काम ही करना है। अगर हम स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, और ये बात हमें अब समझ में नहीं आएगी, हमें आएगी बाद में जब हम बूढ़े हो जाएंगे। इसलिए अपना पहले से ही रूटीन में अच्छे से खाए, पौष्टिक आहार खाए, जंक फूड ना खाए, और अपना ध्यान रखें। तो चलिए पहले करते हैं नाश्ता, उसके बाद क्रिकेट देखते हैं, मज़े करते हैं, इंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स, नाश्ते में आज बनेंगे मूली प्याज के पराठे, क्योंकि यहाँ पर सबको सुबह नाश्ते में पराठे या भरमा रोटी चाहिए, चाहे उन रोटियों में मूली भरी हुई हो, फूल गोभी भरी हुई हो, प्याज, आलू, सब, और यहाँ तक कि कच्चा पपीता भी कस के वो भी भरा जाता है, उसे अच्छे से रेडी करके सब चीज़ें, सब नमक मिर्च मसाले जो भी यूज होते हैं पराठों में, वे सब यूज करके बनाए जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे मूली प्याज के पराठे, जो भी मेंबर पराठा खाएगा पराठा, नहीं तो रोटी। और उसके साथ कोई लेगा चाय, कोई लस्सी लेगा, यानी कि छाछ लेगा, कोई दही लेगा, तो चलिए करते हैं फ्रेंड्स तैयारी। फ्रेंड्स, यहाँ बना रही हूँ मैं सबसे पहले आटा। आटा मैं इसलिए पहले बना के रखती हूँ ताकि आटे में सॉफ्टनेस आ जाए और उससे अच्छे अच्छे से पराठे बने। मैंने आटे में थोड़ा मोयन डाला है, यानी कि घी डाला है 1-2 चम्मच, और उसे अच्छे से आटा बना लिया है, गूंथ लिया है, और उसे बना के रख दिया है। अब मैंने मूली प्याज हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया है, और अब मैं उसे निचोड़ के अच्छे से, ताकि बिल्कुल सारा पानी निकल जाए, उसे एक तरफ रख लिया है। मैंने इसमें डाला है हरा धनिया, हींग, चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और रेड मिर्च स्वाद अनुसार, जो जितना तीखा खाए उतना, और अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब मैं रख रही हूँ चाय, चाय बनना साथ के साथ, जो चाय से खाएंगे चाय, और जो दही या छाए जो भी लेंगे वो उसके साथ मैं उन्हें दूँगी सबको। और अब मैंने आटे में लोई बना ली है, लोई में डाल लिया है मिक्सचर जो मैंने रेडी किया पराठों के लिए, और मैं अब अच्छे से इसे आराम आराम से स्लोली स्लोली, ये वीडियो में थोड़ा फास्ट दिख रहा है, अच्छे से इसे बना लिया है पूरी रोटी की तरह, और डाल दिया है। अब घी लगा रही हूँ, और एक अच्छा सा देखना कितना टेस्टी पराठा रेडी होता है। आप भी देखोगे तो आपके भी मुँह में पानी आ जाएगा, क्योंकि मेरे तो बनाते बनाते ही आ जाता है, मुझे बहुत मस्त लगते हैं, अच्छे लगते हैं पराठे खाने। तो आप भी फ्रेंड्स अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और इन्जॉय करना पराठे का, देखिए कितना अच्छा कलर आया पराठे में। चले फ्रेंड्स, देखिए, इन्जॉय कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी, मक्खन, चाय और प्याज के मूली के पराठे हो गए रेडी। आप जाइए और इन्जॉय कीजिए। देखिए गाइस, ये दीदी की तबीयत खराब हो रही है थोड़ी सी, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, इन्हें पता नहीं क्या, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि अपना खाने का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हम क्या होते हैं, सभी
अपने बच्चों में फैमिली में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपना ध्यान नहीं देते। भाई ये आ गया मेरा मेकअप आर्टिस्ट साई, ये बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। इसकी ड्राइंग भी मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं जाऊंगी नोएडा, तो इसका सारा कलेक्शन दिखाऊंगी। मतलब कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये इसने बनाई है, इतनी अच्छी इतनी सुंदर ड्राइंग बनाता है ये। जब जाएंगे हम वहाँ नोएडा तो तब आपको जरूर दिखाऊंगी इसका कलेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना हमारे। हाँ जरूर करो फ्रेंड्स, बहुत प्यार देते हो। ये चलो भाई जल्दी से करो। वाटर कलर ले रहे क्या तुम? वाटर कलर नहीं है दीदी, बस यही है। बताओ वाटर कलर से तो। कोई नहीं, आप इसी से कर दो थोड़ा सा। देखो हो ही नहीं रहा, इधर उधर जा रहा है। बहुत ठीक हो रहा, सब आपका फोटो में सही। भाई फ्रेंड्स व्हाइट कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने बस इन्हीं कलर से काम चलाया। बड़े सुंदर बन गए वैसे, अच्छे लग रहे हैं। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। अब होने वाली है टॉस, टॉस देखेंगे और फिर उसके बाद मैच देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैच हो चुका है शुरू, लेकिन देखना मैच के बीच में कितने ऐड दिखाते हैं, बोर हो जाते हैं हम सब, इतने ऐड दिखाने लग जाते हैं मैच के बीच में। अभी इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच स्टार्ट हो चुका है, इंडिया का एक विकेट भी हो चुका है, बहुत दुख हुआ मुझे। और बस अब देखते हैं कितने क्या रन बनाते हैं। कोहली खेल रहे हैं, विराट कोहली। चलिए ये चला हुआ है मैच, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये विराट कोहली, चलिए भाई ये कितने हो गए, 68 रन हो गए और वन विकेट हो गया है, तो अच्छा चल रहा है। राहुल और कोहली खेल रहे हैं, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है गेम। ये देखें जब मैच शुरू हुआ था उस टाइम के हाइलाइट्स दिखा रहे हैं फ्रेंड्स। मैच देखते देखते हमें लग गया है भूख, अब कुछ खाने का हो जाए। आप भी आइए खाइए, एंजॉय कीजिए। मैंने गुलाब जामुन गरम करके रखी थी, वैदिक ने भी खाई और दीदी तो खा ही नहीं रहे हैं। अभी दीदी के लिए कुछ खाने का बनाते हैं, तो चलिए जब तक हम खाते हैं आप भी एंजॉय कीजिए। और मैच अभी चल रहा है, इसका रिजल्ट हम आपको ज़रूर बता देंगे क्या रहा। वैसे इंडिया जीतना चाहिए। चलिए ये हो गया दीदी का थोड़ा सा आराम, जबरदस्ती उठाया मैंने दीदी की, उठ जाओ उठ जाओ। दीदी देखे क्या खा रहे हो दीदी आप? थीमिया डेट्स, खजूर। खजूर खा रहे, देखियो कितनी अच्छी खजूर है, एकदम बढ़िया, बहुत टेस्टी है दीदी। हैं बहुत अच्छी, कितनी सुंदर है, बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है, जैसे किसी पेड़ से ही तोड़ी हो, जैसे पेड़ होता है ना जो है ना, कीमिया की अच्छी है। हाँ कीमिया की अच्छी होती है, मजेदार है। चलो हम भी खाते हैं फ्रेंड्स, आप भी इंजॉय कीजिए। देखना कितनी सुंदर है, मजे आ गए भाई, वाओ एकदम फर्स्ट क्लास। एकदम ओरिजिनल लुक नहीं दे रही है दीदी ये, देखना इनमें ये भी ज्यादा है ना ये, मतलब देखो बढ़िया एकदम टेस्टी। मैच देखने के साथ साथ खजूर का भी एंजॉय, और क्या सर्दियों में खानी चाहिए खजूर, विटामिन बी बहुत है, रोज 2-4 खजूर खाओ ना ठीक रहेगा। चलो भाई बढ़िया है। रात के बज रहे हैं 1:30 और पुरु महाराज की रोने की। रात के 1:30 बजे का म्यूजिक अच्छा है, इसलिए तो मैं ही उठ के मैंने कहा आज चलो वीडियो ही बना लूं। देख चुकी मैं, खराब हो गया दिन में तो सो जाता है रात में जगता है। अब ऐसे ही चलेगा, इसके भी तो मजे लो तुम। हमने भी बहुत मजे लिए इसके अर्जुन के टाइम पे, तुम भी मजे लो। पूरी रात कल भी ऐसी रहा इसका, मैं देख रही थी इसलिए मैंने कहा चलो इसकी एक वीडियो बनाई जाए, फिर इसे दिखावेंगे बड़ा होगा जब कि इसने क्या क्या काम करे। वही ना, देखिए फ्रेंड्स बताना आपके बच्चे भी ऐसे ही करते थे क्या? पूरी रात, पूरी रात मतलब कि हम हैरान है, मैं तो परेशान हो जाती, गिरने लग जाती। तो वीरा और पीहू तो थे नहीं ऐसे, और इसका तुझे पता चला? देखो कैसी आंखें खोल रखी है पूरी, और क्या पूरी आंखें खोल रखी है एकदम। हेलो जी, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि अभी 1:30 बजे हुए हैं, 1:30 बजे हुए हैं और हमारे फेस से भी लग रहा होगा सोजन सी हो रही है
क्योंकि सोने का बहुत मन करता है, पर क्या करे सो ही नहीं पाते। ये तो दीदी अभी आ गए, तो अभी हम दीदी भी कह रही थी कि चल तू परेशान हो रही, थोड़ा पुरु को संभाल लेती हूँ मैं भी। तो अब हम बैठ के आपके सबके कमेंट पढ़ रहे थे, तो हमें काफी अच्छा लग रहा था। तो कुछ फ्रेंड्स है जो हमें रेगुलर कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनके नाम बताऊंगी। हमें अच्छा लगता है काफी, जैसे कि दीदी रिम्पी है, और रिम्पी है, रिम्पी है, ये रेगुलर करते रहते हैं, एनु है, और सरिता दैया है, वंशिका है, वंशवी है, गीता सैनी है, और प्रणव ग्रेवाल है, खुशी पन्नू, रेखा चौहान, चीकू पूर्वी, और सोनू मतोरिया, सोनू मतोरिया, और भाई सोनू मतोरिया है, सरिता धनखड़, जतिन यादव, सुदेश, शिवाच है बहन, और भाई और आपको भी बताते हैं, और भी कई फ्रेंड्स हैं जो अच्छे कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है। और स्पेशल रिक्वेस्ट थी आज प्रदीप डागर जी की कि आप मेरे बारे में भी बताना, इन्होंने मैसेज किया हुआ है, काफी बड़ा अच्छा है। तो जो हमारे से नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें वो ये क्वेश्चन भी बहुत करते हैं कि आप कहाँ से हो, हालांकि कई बार बता चुके हैं, लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें अभी पता नहीं है। तो ज्योति हरियाणा से ही है, हरियाणा की बेटी है वो, और उसकी शादी हुई है गाजियाबाद में, यूपी में। ये दीदी है शिवानी दीदी मेरी ननद है, इनका तो आपको पता ही है, ये हम है गाजियाबाद के, लेकिन दीदी की शादी तो बड़ोत में हुई है, लेकिन रहते नोएडा है, बड़ोत में भी घर है इनका और नोएडा में घर है, पहले सिंगापुर रहते थे, कई सारी कंट्रियों का भ्रमण किया है दीदी ने अभी एक साल से ही ये इंडिया आए हैं, नहीं तो पहले अलग अलग कंट्रीज में ही रहते थे, अब कोरोना के कारण ये अपना इंडिया में ही आ गए हैं। ये कहते हैं कि सब जगह घूम ले, लेकिन इंडिया इज द बेस्ट हाँ, और अपना देश सबसे बढ़िया है, अपने सारे रिलेटिव होते हैं और सब कुछ। चलो फ्रेंड्स, हमें तो ऐसे ही जगना, आप क्यों जगोगे, सो जाओ आप ही, लेकिन ऐसे ही अपना प्यार देते रहे और लोग देखते रहे, हमें सपोर्ट करते रहे, थैंक यू, बाय बाय, बाय, गुड नाइट, मतलब गुड मॉर्निंग आपके अगले दिन हो चुका है